सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कीमती फार्म। हम लोग डिफॉरेस्टेशन से भी बचेंगे और तो और हमें फ़ायदा भी होगा। पेड़ काटना कम, औजारों की हेल्थ जाना कम, बार बार वो एंडरमैन फार्म पे जाना कम। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक 9x9 का एक स्क्वायर बनाना, जिसमें एक साइड कंप्लीट नहीं करनी। चाहो तो कर सकते हो बाद में जब कलेक्टिंग सिस्टम बन जाए। तो ये 9 ब्लॉक हो गए। अब इस साइड 8 ब्लॉक और लगाएंगे और फिर हमें इसमें वाटर डालना है। तो ये हो गए ना शायद, तो एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो अब इस साइड हम लोग दोबारा ले जाएंगे पूरी लाइन और फिर एक ब्लॉक डेक करेंगे शायद। हाँ, ये एक ग्लास एक्स्ट्रा लग गया पहले से, सवाल से तोड़ लेता हूँ। सवाल में सिलिक टच है, वैसे ही ग्लास की कमी तो नहीं है। हाँ, बार बार निकाल लेंगे, लेकिन चलो ठीक है, जितना बचा उतना अच्छा। और ये लग गया और ये लास्ट। चलो, हॉपर का काम हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं सारे हॉपर एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पर डालते हैं वाटर, एक इस साइड और एक इस पे। तो यहाँ पर बन गया इन्फिनाइट सोर्स और भर के डालते चलो। और ये यहाँ डाल दो, दोनों बकेट भर के अपने हटाओ, यहाँ से हॉपर निकाल लो। अब हमें इस फार्म के दो ब्लॉक पीछे, दो ब्लॉक राइट में और एक ब्लॉक पीछे, यानी तीसरे ब्लॉक पे हम लोगों को 7 ब्लॉक ऊपर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक रख के यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर जिसका फेस नीचे हो, और नीचे जाके एक ऑब्ज़र्वर जिसका फेस ऊपर हो। तो पहले ये रख दिया नीचे फेस वाला। अब हमें जाना है यहाँ से नीचे और लेडर भी लगानी है ताकि यहाँ से ऊपर आ जाए। और धीमे धीमे तुम लोग भी समझ जाओगे कि आखिर ये फार्म कैसा बनेगा। तो अब हम लोग लगाते हैं अपना दूसरा ऑब्ज़र्वर, जो कि लगेगा यहाँ से नीचे ऊपर मुंह के साइड। और यहाँ पे दो डेड ब्लॉक लगा के यहाँ पे हम लगाएंगे एक स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन यार मैं लाया नहीं हूँ, तो अभी सल्कर बॉक्स से निकाल के ले आता हूँ और फिर जल्दी से लगाते हैं। उसके पीछे आएगा एक लीवर, लीवर मुझे बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, यहीं पर आगे स्टोन लगा है, निकाल लूँगा। और वुड भी है। अरे यार ये गलत लग गया, इसे हटाओ। ये चला गया वहाँ अपने कलेक्टिंग सिस्टम में। एक काम करता हूँ मैं, हाँ जी लग गया। चलो अब हम लोगों को पहले वो स्टिकी पिस्टन निकाल लूँ। अब ये हटा के यहाँ पे लीवर लगा दूँ। मैं लीवर बना के ले आया। अब हम लोगों को ऊपर जाके यहाँ पे डिस्पेंसर और उसके ऊपर बटन रखना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक रख दे सपोर्ट के लिए। जे ऐसे ही खाली रहन दो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इस क्या कहते हैं इसे, ऑब्जर्वर के ऊपर आएगा। यहाँ पे डाइट आनी है, मैं अभी स्टोन ब्रेक रख दे रहा, बाद में हटा दूंगा। यहाँ बटन आएगा ताकि इसके ऊपर कुछ अटके ना या मॉब वगैरह स्पॉन ना हो, शायद इसलिए रखा है ये बटन, मेरे मुझे जहाँ तक पता है। अब बाकी ये पिस्टन वगैरह सारा सामान लेके चलते हैं वहाँ पे, जो कि ज़रूरी है अभी। और हॉपर अभी इसमें बोन मिल जाने के लिए वो जो सिस्टम बनाना, एक एक हॉपर और डबल डबल चेस्ट, तो वो भी लगा दे रहा मैं। तो एक हॉपर आएगा इसके पहले पीछे और उसके ऊपर आएगी डबल चेस्ट, लार्ज चेस्ट या जो भी कहते हैं। ये आ गई और अब इसके यहाँ आएगा हॉपर। अरे यार गलत लग गया। तो जैसे तैसे हॉपर लगा तो दिया, अब चेस्ट रहेगा। ये रात हो गई, बहुत दिक्कत दी उस हॉपर ने। अब हम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये ब्लॉक हटा के यहाँ डर्ट लगा देता हूँ, जो कि जहाँ पर हम लोग अपनी सैपलिंग रखेंगे और ये बोन मिल करेगा। और ये ऑटोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि 1.16.5 में ऑटोमेटिक बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। तो अब हम लोगों को यहाँ पे कंपैरेटर रखना, देख लो एक बार ऐसे बनेगी डिज़ाइन। जो एक्स्ट्रा स्टोन ब्रिक निकाला था उस पर कंपैरेटर, और बगल में एक एल बना के कंपैरेटर में मूव करता हुआ अपना ऑब्जर्वर। उसके पीछे 3 टिक के साथ रिपीटर और एक रेड स्टोन इस स्टोन ब्रिक पर। यार ये टिक में गड़बड़ हो गई, एक यहाँ पर रेड स्टोन, ये आ गया। अब हम लोगों को लगाने हैं यहाँ पिस्टन, लेकिन इसके ऊपर स्लैब, ताकि इसके ऊपर भी शायद मॉब स्पॉन ना हो या फिर कंपैरेटर फेंक ना जाए लीव्स अगर स्पॉन होंगी। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लगाने हैं 6 पिस्टन और ट्रैप डोर। तो ये पहला तो लग गया, ये दूसरा, और अब ये तीसरा, इसके ऊपर आएगा ये चौथा। अब दो और रह गए, ये 5। अरे अरे यार डर्ट लगा के जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा ऊपर। हाँ डर्ट लगा के जाना पड़ेगा, ऐसे तो वरना नहीं पहुँच पाऊँगा। और इस जो दूसरे वाले क्या कहते पिस्टन पर आएगा वो
क्या कहते हैं यार उसे, ट्रैप डोर, उसके ऊपरी भाग पे जे 6 के 6 पिस्टन लग गए। हाँ, जे वाला डर्ट का ब्लॉक भी नहीं टूटा। अब ट्रैप डोर लेके इसके यहाँ पे ये लगा दिया। अब हमें जाना है इसकी दूसरी साइड रेड स्टोन का काम करने। इन 6 के 6 पिस्टन और ड्यूपर को कनेक्ट करना है एक लीवर के थ्रू, तो बस उसी लिए। तो ये 1, 2 और 1 यहाँ पे आएगा। इनके पीछे आएंगे 3 स्लैब और फिर डाइट का ब्लॉक रखेंगे इनके ऊपर और 3 स्लैब और लगाएंगे। तो ये लग गया। अब इनके ऊपर रखना डाइट का ब्लॉक, एक इसके ऊपर और एक ये इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आएंगे स्लैब ऐसे 1, 2। अब इसको हटाएं और इसके ऊपर ये। अब हम लोगों को ये सारे डाइट के ब्लॉक हटा के, जो कि टेम्प्ररी थे, इन्हें हटा के यहाँ पर रेड स्टोन का सिग्नल देना है सब में। तो अब मैं ये डाइट से ही ऊपर जाऊँगा, बाद में हटा दूँगा। तो चलो 1, 2। अब यहाँ पर रेड स्टोन देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से और ऊपर 1, 2 और ये इसमें ये हो गया। अब या ऊपर चलो, एक और लगा देता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ से इसको हटाना है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे एक ब्लॉक और इसके ऊपर आएगा स्लैब और फिर इसे पूरी डर्ट को हटा देना। यहाँ पे वापस रेड स्टोन डाल देंगे, ये हट गया। अब यहाँ पे वापस रेड स्टोन डस्ट डालनी, एक यहाँ पे भी एक, और यहाँ से बस ऊपर जाना है अब हमें। लेकिन उससे पहले यहाँ से 3 ब्लॉक बाहर निकल के हमें एक स्लैब भी लगाना। तो वो पहले एक ब्लॉक ऊपर जाना है, 1 या 2 ब्लॉक ऊपर जाएंगे शायद, मैं गलत लग गया। उस साइड से जाना, यहाँ आएगा यार शायद, यहाँ पे तो स्लैब आएगा इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे यहाँ पे एक लगा के, अरे लग जा, ये इसको हटा दो ये डर्ट ब्लॉक, और यहाँ पे आएगा एक स्लैब ये ऐसे। इस डर्ट को हटा के जी हट जा ये। अब यहाँ से हमें जाना और ऊपर और 3 स्लैब आगे भी जाना। तो चलो करते हैं। तो अब हमें जाना है यहाँ से 3 स्लैब आगे, तो 3 ब्लॉक आगे, और तीसरे पे आएगा स्लैब। तो ये हो गया इससे ऊपर, ताकि शायद पेड़ ना आए, शायद इसलिए है। अब मुझे उसने वीडियो में सलकर क्राफ्ट भाई ने तो ये नहीं कहा, वो लिख के ही कहते हैं, कहा बोलना तो अभी शुरू किया उन्होंने, वरना तो घूमे थे अपनी वीडियोस में। अब जो भी है, अपन तो जो सही फार्म बनाते हैं ना भाई साहब, वैसा फार्म बहुत कम ही लोग बनाते। तो चलो जैसा है बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ से 5 बार ऊपर जाना, 5 स्लैब लगा के, पहले डर्ट फिर स्लैब, और लास्ट वाले पे तीनों, जो 3 आखिरी के स्लैब बचेंगे तीनों लगा देना, और सबको रेड स्टोन से कनेक्ट कर देना। पहले डर्ट हटा दूँ मैं, फिर रेड स्टोन से कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे भी, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और जो एंड की जो 2 बची, बीच में रिपीटर आएगा, मैं एक और बार दिखाता हूँ। यहाँ, यहाँ और यहाँ पे आएगा रिपीटर बिना टेक के, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब जाएंगे यहाँ से 3 ब्लॉक आएंगे, शायद वो आवाज़ की गड़बड़, अरे यार नीचे गिर गया, और अब वो थोड़ी सा आवाज़ भी गड़बड़ा हो गई होगी। और वैसे भी मुझे थोड़े ड्यूपर का सामान लेना था, तो चलो मिलते हैं। तो देखो यार, मैं एक प्लेटफॉर्म तो बना ही लिया, अब यहाँ पर बनाना ड्यूपर। तो ड्यूपर बनाना सबको आता, इसलिए मैं ये क्लिप फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। जैसे नहीं आता तो यूट्यूब पर एक छोटी सी शॉर्ट है, देख लेना, अगर हो पाया तो मैं अपने चैनल ही पर डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लेना। बनना यार देख लेना बस, अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो अब हमें यहाँ पर फेंस गेट लगानी है, इसके नीचे अरे यार एक और लग गई, इसके नीचे TNT लगाना, साइड में डेड कोरल भी नहीं लाया यार, वहाँ हमारे कैसल में रखा होगा, इनकम्प्लीट कैसल में। यहाँ पर पहले एक रेल डिटेक्टर रेल माइनकार्ट, अब बोल मैं ले आया हूँ, क्या कहते हैं उसे, डेड कोरल ट्यूब कोरल फैन अब यहाँ लगाएंगे तो ये डेड हो जाएगा। अब इसके नीचे से हमें लगानी है लीव्स की बाउंड्री, देखो वो डेड हो गया, ताकि TNT एकदम ढंग से नीचे गिरे, यहाँ वहाँ नहीं बिगड़े, क्योंकि हमें TNT एक ऑब्जीडियन के ऊपर ही गिराना, कहीं और नहीं गिराना, इसी वजह से। तो इसे पूरी कवरिंग देंगे, और यहाँ से नीचे से भी कवरिंग देंगे लीव्स की, जे इसके नीचे लगाऊंगा, 2 लीव्स आएंगी, अरे यार यहाँ पे 1, 2 और फिर यहाँ पे आएगा एक फेंस गेट, ऊपर जाके लगा दूंगा, और वाटर डालना है यहाँ पे,
तो चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से, बाकी प्लेटफॉर्म तो मुझे ये हटाना ही है, तो वो देख लेंगे तभी। तो एक यहाँ से तीनों ये लीफ ख़त्म, बस ये यहाँ से इसलिए देना था ताकि ये कहीं यहीं ना गिर जाए, इसी वजह से। अब सारी डर्ट हटा के यहाँ पे फेंस गेट लगाते हैं और वाटर देते हैं ताकि अपन जल्दी से ये फार्म एक बार क्योंकि मैं AFK भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर, देखते हैं कितना वुड मिलता है। ये गेट ओपन कर देना, ये नहीं कि गेट लगा छोड़ दिया तो TNT यहीं फटेगा, इसी वजह से। अब यहाँ नीचे जाके हमें डालना है यहाँ पे ये पानी, ये हो गया। अब मुझे ये सारा प्लेटफॉर्म तोड़ के हटा देना है, बाकी अब कुछ कोई काम नहीं है इस प्लेटफॉर्म का और मेरा नुकसान करेगा अगर बना रहने दिया तो। चलो मैं तुम लोगों को ये प्लेटफॉर्म हटा के मिलता हूँ। तो फाइनली अपना फार्म लगभग डन है, अब बस दो लास्ट चीज़ें, तीन लास्ट चीज़ें रह गई। पहला हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जीडियन रखना है, दूसरा हम लोगों को बोन मील भरना है, तीसरा AFK करना है बस। तो यहाँ से 8 ब्लॉक बाहर जाएंगे और 8वें ब्लॉक के ऊपर जो कि ये है, इसके ऊपर ऑब्जीडियन रख के पूरी डर्ट हटा के भाग भाग जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे अभी मैं भाग जाऊँगा बुल। तो अब हम लास्ट के 2 स्टैक और भर देते हैं, जितना बोन मील अभी एक साइड पे था हमारे केल्प फार्म में तो उतना रख दिया, हालांकि वो मैंने ही रखा था ढेर सारा उसमें, क्योंकि जो केल्प मशीन थी उसमें नहीं थी जगह। तो अब मैं तुम लोगों को थोड़ी देर AFK करने के बाद मिलता हूँ यार जी। हाँ हो गया ग्रो, चलो अब यहाँ पे बस लगे रहो और TNT फूटेंगे और अपनी वुड कलेक्ट होती जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ही सही फार्म है ये। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों को 10-15 मिनट AFK करने के बाद।